नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। साबुन कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने काफी अच्छा रेस्पॉन्स किया है, इसलिए आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और काफी ज्यादा कमेंट्स आया, साबुन का बिजनेस जैसे करते क्या ऐसे ही हम लोग डिश वॉश का बिजनेस कर सकते, मतलब बर्तन धोने वाला जो साबुन है, फिर डिश बार है, उसका बिजनेस भी कुछ इस तरह किया जा सकते है कि नहीं। फ्रेंड बिल्कुल ऐसा है, और भी अभी का टाइम पे साबुन का जितना डिमांड है आपका डिश वॉश का भी उतना ही डिमांड है, तो आप बहुत ही आसानी से तो आप साबुन का बिजनेस भी जैसे कर सकते हैं, डिश वॉश का बिजनेस इस तरह कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और इसमें फायदा भी बहुत ज्यादा है, इसका मैन पावर भी कम लगते, एक बार अगर आपका सामान सप्लाई होने लग जाए तो पीछे मुड़ के भी देखने का जरूरत नहीं पड़ते। और सबसे बड़ा बात है फ्रेंड, आपका गाँव में ये बिजनेस चालू कर सकते हैं और इसमें बेनिफिट बहुत ही ज्यादा होते, 50% आपको फायदा हो जाते। तो आप अगर सीखना चाहते डिश वॉश बिजनेस करने का टिप्स, कैसे शुरू कर सकते, कितना पैसा में क्या सामान लगने वाला है और इससे आपको मुनाफा कितना रहेगा, तो फ्रेंड वीडियो को बिना स्किप करके आखिर तक देखते रहिए। आखिर में आपको ऐसे टिप्स दूंगा जो आपका इस बिजनेस को ग्रोथ करने में बहुत ही मदद करेगा। तो वीडियो शुरू करने का पहले फ्रेंड, आप अगर मेरे चैनल में पहली बार है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो चलिए शुरू करें। तो फ्रेंड आप देख लीजिए आपको सामान बनाने के लिए क्या क्या लगने वाला है। पहले तो सोडा ऐश, डोलोमाइट, फिर सोडियम सिलिकेट डाल देना एक साथ में, उसका अंदर आपको देना पड़ेगा मार्बल पाउडर, देखिए फिर मिक्स करने के लिए 40 से 45 मिनट तक छोड़ देना पड़ेगा। देख सकते अभी दिखने में कैसा लग रहा है। तो इधर में मार्बल पाउडर देने का बाद में थोड़ा पानी मिक्स करना पड़ेगा, जैसे जैसे पानी मिक्स करोगे आपका हिसाब से लगभग 5 लीटर से 6 लीटर पानी का ज़रूरत पड़ते। अब देख सकते 5 लीटर से 6 लीटर पानी का ज़रूरत पड़ते। इसके बाद में आपको देना पड़ेगा फॉर्म बूस्टर। फॉर्म बूस्टर इसलिए देना पड़ता है क्योंकि ज़्यादा फैना के लिए फॉर्म बूस्टर देना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप दे रहा हो कलर, आप देख सकते हो आपका मर्जी के हिसाब से इधर में कलर ले सकते, कोई भी कलर मिक्स कर सकते। और इधर में कलर मिक्स करने का बाद सोडियम सिलिकेट डालना है। सोडियम सिलिकेट डालने का बाद फिर 20 मिनट के लिए आपको ढक के रखना पड़ेगा, तो बाद में ऐसा हो जाएगा आप देख सकते। फिर आपको पॉलीमर देना पड़ेगा और फेगनेंस देना पड़ेगा, इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा क्लीन करने के लिए आपको डालना पड़ता है पॉलीमर फिर फेगनेंस। तो जो भी है डालने का बाद आप इधर से देख सकते मैं डाल रहा, फिर मिक्स करने के लिए छोड़ देना पड़ेगा। तो इधर में आपको साबुन का सेफ आ जाएगा, देख सकते हो जैसे आप देखते हैं डिश वॉश है जैसा होता है ऐसे आ गया साबुन के फेस में आ गया। तो लगभग ये मिक्स हो चुका है, लगभग 1 घंटा तक आपको ये मिक्स करना पड़ता है, 1 घंटा के बाद में ये सेफ में आ जाता है। तो आप इधर में देख सकते क्या क्या साबुन आपको लगने वाला है, इधर में मैं डिस्प्ले में दे रहा हूँ आपको। तो इधर में आप नोट कर सकते हैं, ये सामान आपको ज़्यादातर कोई कंपनी में मिलते ना, तो आपको कोई बड़ा बाजार में भी मिल जाएगा। तो मैं तो सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, अब जब मशीन खरीद के स्टार्ट करोगे तो पूरा के पूरा ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा। तो इधर में देख सकते हैं फ्रेंड, दोस्ता मैं मशीन में डाल रहा हूँ, एक्सटेंडेड मशीन बोलते हैं इसको। फिर इसमें डाल के मैं सामान का सेप में आ गया, मतलब जो बार बनाऊंगा डिश बार वो ऑटोमेटिकली इधर में कटिंग करना पड़ेगा। कटिंग करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, बस इसके अंदर फ्रेश करने के लिए आपको मशीन दिया जाएगा, तो फ्रेश कर सकते। तो इधर में आपका कंपनी का नाम इधर में सिलाप भी कर सकते, कोई भी कंपनी का नाम आप रख सकते अपना मर्जी के हिसाब से। फिर एक घिसनी इसका अंदर देके पैकिंग कर देना, तो ये बाजार में जाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड देख सकते ये जो डाई शॉट है, ये 3-4 जात का डाई शॉट है, तो आप कोई भी डाई इसका मुंह में लगा के ये आउट कर सकते। तो इधर में आपको साबुन बना के बताते, देख सकते साबुन में जैसे डिज़ाइन आते ऑटोमेटिकली वही डिज़ाइन में काट के निकल रहे हैं। तो आप इधर से काट काट के फिर साइज करना पड़ेगा, जैसे साबुन कितना रखना है, 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, तो हिसाब से आपको काटना पड़ेगा पूरा साबुन का सेव है। तो इधर से देख सकते हैं इधर में साबुन जितना रखना है उतना हिसाब से काट रहा हूँ। इसके बाद आप अगर चाहते कोई बॉक्स का अंदर डालना तो इसका डायरेक्ट बॉक्स का अंदर भी डाल सकते, तो आपको टेंशन नहीं रहेगा। और आप अगर साबुन का पैक करना चाहते तो अभी कर सकते, इसमें तीन जात का मशीन आपको मिल जाएगा, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक एंड मैनुअल। आप इधर में देख सकते हैं मैं सेमी ऑटोमेटिक मशीन यूज़ कर रहा हूँ, हाथ में थोड़ा बहुत करना पड़ता है, थोड़ा बहुत मशीन में कर देते। आप इधर से देख सकते हैं थोड़ा सा हाथ में कर रहा, फिर थोड़ा सा मशीन में, हाथ देने के बाद ऑटोमेटिकली बाजार में जाने के लिए रेडी हो गया। तो आप भी कुछ इस तरह आपका गाँव में आपका घर में बैठ के भी इसका मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और इसका बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं।
तो फ्रेंड आप लोगों ने देख लिया एक मशीन कैसे काम करते हैं, क्या क्या मशीन आपको चाहिए, क्या क्या कच्चा माल आपको चाहिए, रॉ मटेरियल आपको लगेगा। तो फ्रेंड जहाँ से आप मशीन खरीदोगे वहाँ पे आपको रॉ मटेरियल मिल जाएगा और आप मशीन कैसे चलाना है वो भी मशीन वाला आपको सिखा देगा। तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप देखते हैं क्या क्या मशीन लगेगा, कितना कीमत में मशीन आपको आएगा। तो फ्रेंड आप देख लीजिए क्या क्या मशीन लगेगा, क्या कीमत आएगा। सिग्मा मिक्सर का 260,000 रुपया, एक्सट्रूडर मशीन का 160,000 रुपया, फिर कटिंग मशीन का 12,000 रुपया। इधर में देख सकते हैं ये डाइस भी 5,000 रुपये मिल जाएगा एक एक डाइस में। जो कंपनी का सील बना होगा आपका हिसाब से आएगा, फिर पैकिंग मशीन आप जैसे पैकिंग लोगे ऐसे आएगा, मैंने सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक, फिर मैनुअल, तो ये पूरा आपका ऊपर डिपेंड करेगा। तो फ्रेंड देख लिया ये मशीन लगभग आपको 7 से 8 लाख रुपया तक आएगा। मतलब ये बिजनेस अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 7 से 8 लाख रुपया का जरूरत पड़ेगा। और फ्रेंड और एक बात यही है, ये बिजनेस में आपको थोड़ा रॉ मटेरियल भी मौजूद रखना पड़ते हैं। आप अगर शुरू करना चाहते हैं बिजनेस तो आप कहाँ पे भी चालू कर सकते हैं, गांव में भी और सिटी में भी कहाँ पे भी चालू कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको ज्यादा जगह का जरूरत नहीं पड़ते, आपको ज्यादा मैन पावर का भी जरूरत नहीं पड़ते, तो आप आसानी से चालू कर सकते हैं। ये बिजनेस के बारे में आप अगर इससे भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो जरूर मेरे को कमेंट्स करें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा और भी बातचीत करूंगा आपके साथ। और आप अगर चाहते ये नहीं दूसरा कोई बिजनेस आइडिया आपको चाहिए तो हर 2 दिन में मेरा एक एक बिजनेस आइडिया आते रहते मेरे चैनल में, आप इंतजार कर सकते। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को दबाना पड़ेगा। और आप अगर अभी क्या अभी ज्यादा आइडिया लेना चाहते तो मेरा चैनल का अंदाजा कभी ले सकते। मिलता हूँ, तब तक ले भाई, नमस्कार।